everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky vlog. Today's vlog is also going to be very very special. I'm vlogging 2 days in my life, 2 very hectic days jisme aadhe din main to Delhi mein hungi bhi nahi, and I'm going to Jaipur. I am so excited. I'm going for my first ever radio interview with RJ Apurva, which is on my FM, so I'm just really excited. By the time you're watching this, interview aa gaya hoga, so jo bhi mujhe Instagram pe follow karte hain unko पता चल गया होगा जयपुर फैम में से. बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट फ्रॉम जयपुर एंड मेरी पूरी वर्ल्ड वाइड क्वर्की फैम है, उनके लिए आई थिंक आई एम गोना व्लॉग BTS आल्सो ऑफ दिस इंटरव्यू, एंड मेरे कुछ कुछ जवाब आप लोग सुन पाओगे. ईशान इज टैगिंग अलॉन्ग विद मी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके व्लॉगिंग वगैरह में, एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. मैं बस अभी आधे पौने घंटे पहले उठी, फ्रेशन अप होके आई एंड सोचा आप लोगों को बता दूँ ये खुशखबरी. सो आई एम जस्ट सो सो एक्साइटेड. बट आज का दिन is going to be full of preparation, so I don't know मुझे आज के व्लॉग में बीच में बोलने का कब टाइम मिलेगा, बिकॉज इट्स going to be so hectic. I have to go with my mom shop for some things. Also, I have to meet Ishan for a secret thing, तो मैं वो आपको अभी नहीं बता पाऊंगी unless he is ready to announce it. And then I have to go for my hair wash. काफी ज्यादा oily बाल हो रहे हैं and I am too lazy to wash it, yeah. तो it's a radio interview, so कोई मेरे को देखेगा नहीं मेरी look like. It's not a podcast जिसको film भी किया जाए साथ में, but I just want to make a good impression. Also, एक बहुत अच्छा आउटफिट है जो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मैं पहनूंगी. ऑल ऑफ दैट मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे आज व्लॉग में शेयर करती जाऊंगी. सो लेट्स जस्ट गो. एंड अभी मेरी मम्मी ना लंच बना रही होगी, बिकॉज सुबह हमारे घर में लंच बन जाता है, विच इज गोना बी सोया चॉप. सो आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड. थोड़ा देखती हूँ क्या स्टेटस चल रहा है किचन में, एंड आई सी यू गाइज जो भी मुझे बीच में बोलने का टाइम मिलता है तब. बट इट इज गोना बी सच एन इंटरेस्टिंग व्लॉग, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉम इज मेकिंग चॉप फॉर लंच टुडे. सारे चॉप फ्राई करके काट लिए हैं एंड ग्रेवी अभी गाढ़ी हो रही है. ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट सरप्राइज एवर. Thank you.
ओके सो आई एम फाइनली बैक. इट हैज़ बीन वन हेल ऑफ अ हेक्टिक डे. मैंने अभी पैकिंग फिनिश की एंड बाय पैकिंग आई जस्ट मीन दिस स्मॉल लिटिल बैग. मैं इसी में अपना सब कुछ हैंड लगेज लेके जाने वाली हूँ. इट्स जस्ट अ स्मॉलर देन अ वन डे ट्रिप. सो मुझे सुबह जाना है एंड रात की फ्लाइट है. सो मैं 10-11 बजे तक घर वापस आ भी जाऊँगी कल. सो इट्स रियली नाइस क्योंकि हमें बेल्ट पे वेट नहीं करना पड़ता है अपने लगेज के लिए. एंड व्हेन यू जस्ट हैव हैंड लगेज ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है. एंड आई हैव टू से आई डू रियली एन्जॉय दीज शॉर्ट ट्रिप्स मोर देन द फुल वेकेशंस. लाइक मुझे ऐसी लाइफ में पहले अपने लिए इमेजिन करती थी कि या आई वॉन्ट टू गो ऑन वर्क ट्रिप्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट. पूरे दिन के व्लॉग में बोलने का बीच में मौका नहीं मिला बिकॉज इट वॉज लाइक एक टाइम पे ये चीज़ कर रही हूँ, दूसरे टाइम पे ये चीज़ कर रही हूँ. सो आई हैव जस्ट दीज 5 to 10 मिनट्स टू सिट बैक, रिलैक्स एंड डू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज जो मुझे फॉलो करते हैं स्किन केयर टिप्स के लिए स्पेसिफिकली, उनको पता है कि मेरी ऑयली स्किन है एज वेल एज समवॉट सेंसिटिव. एंड देर इज वन प्रोडक्ट जो मैंने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में टू गेट एक्ने फ्री स्किन, विच इज बाय डॉट एंड की. इट्स देयर सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल. दिस इज वॉट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. It is so pretty, so beautiful, just like magic in a jar. And it's an overnight skin treatment which unlocks the superpowers of Centella Asiatica, also known as Cica, to provide rapid healing and comforting for clear, smooth, hydrated skin. Now, इस product के अंदर काफी सारे और effective hero ingredients हैं. The first one being Cica, जो कि है एक skin healing and soothing ingredient. जब भी आपकी skin में inflammation होता है, redness होता है या फिर damage हो जाती है, ये उसको soothe करता है. It also has anti-acne properties, so आपके acne reduce करेगा as well as जो existing scars हैं, उसको भी धीरे धीरे हील करेगा. इट इज ऑल्सो बैक्ड बाय ग्रीन टी विच इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट. एक्ने से जो हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है, आसपास रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये उसको रिड्यूस करता है. नेक्स्ट अप है नायसिनामाइड विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विटामिन बी जो आपके ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करता है एज वेल एज मिनिमाइजेस द अपीयरेंस ऑफ पोर्स. इट ऑल्सो हील्स एज वेल एज फेड्स अवे एक्ने स्कार्स. एंड द लास्ट वन इज हाइलुरोनिक एसिड प्लस सेरामाइड जो कि आपकी स्किन को एक बैलेंस्ड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एज वेल एज स्ट्रेंथन्स योर स्किन्स बैरियर. सो द टेक्सचर इज वेरी लाइट वेट, ये ऑयल फ्री है एंड इसमें कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है. एंड इट इज अ नॉन कॉमेडोजेनिक नाइट जेल जो रिड्यूस करता है एक्ने को, एक्ने स्कार्स को फेड करता है. इट हील्स एंड सूथ्स योर इन्फ्लेम्ड स्किन. इसको अपने नाइट टाइम रूटीन में इंक्लूड करने के लिए यू हैव टू स्कूप आउट अ जेनरस अमाउंट एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस, नेक एंड डिकोल्टेज. अपने आई और लिप एरिया को अवॉइड करना एंड मसाज इट इन अपवर्ड सर्कुलर मोशन. यू हैव टू लीव इट ओवर नाइट एंड यूज डेली बिफोर गोइंग टू बेड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. इट इज क्लिनिकली प्रूवन टू रिड्यूस एक्ने बाय 39% इन जस्ट 28 डेज. नाउ आई कैन फाइनली से दैट इसको जब लगा के मैं सोती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, तो मेरी स्किन वेल रेस्टेड और हाइड्रेटेड लगती है. इट ऑल्सो फील्स वेरी सूदिंग. इट इज जस्ट द परफेक्ट प्रोडक्ट अगर आप सफर करते हो विद एनी काइंड ऑफ इरिटेशन अराउंड योर स्किन या फिर एक्ने. अगर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है तो मैं इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड TQM15 फॉर एडिशनल 15% ऑफ. दिस डिस्काउंट कोड इज अवेलेबल ऑन www.dotandkey.com. आई वुड लव इट इफ यू गाइज वुड गिव इट अ ट्राई एंड देन मुझे आई थिंक 3-4 हफ्तों बाद आके बताना जरूर इसी वीडियो पे या फिर थ्रू इंस्टाग्राम DMs कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, बिकॉज माई एक्सपीरियंस हैज बीन सुपर कामिंग विद दिस वन. एंड ऑन मोस्ट ऑफ द नाइट्स आई एम वेरी लेजी. मैं सिर्फ यही एक प्रोडक्ट लगा के सो जाती हूँ एंड इट डज द जॉब फेयरली वेल. It is 14th April 6:24. If you guys can see, I have to rush to the airport. So I'm having some aloe olio जो मैंने कल रात को बनाई थी and pack कर लिया मैंने bag. मेरा bag बस handbag है because आज जाना है, आज ही वापस आ जाना है for my radio interview. I'm just really excited. So मैं बहुत ही ज़्यादा गुलानारी और बहुत ही colorful बनने वाली हूँ. It's red with pink. It's a plain कुर्ती विद पलाजो एंड दिस इज सेंट बाय दिस ब्रांड कॉल्ड बोगनविलिया. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट एंजल बेदी एंड इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबल क्लोदिंग. बहुत ही ज्यादा समरी फ्रेश वाइब है इसकी एंड आई रियली लव द फैब्रिक. बट या दिस इज वॉट टूडे लुक्स लाइक सम आलियो ओलियो कॉफी एंड दिस क्लोदिंग. मेरे मॉम डैड मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं सो आई ऑल्सो हैव टू पिक ईशान ऑन द वे. उसका घर पास ही है लाइक 10 मिनट. सो जल्दी जल्दी खाती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है. मुझे 6:30 मैंने बोला था उसे पिक कर लूंगी और 6:29 पे मैं यही सब कर रही हूँ. सो लेट्स गो. बाय बोश. बाय बाय. क्या कह रहे हो? वेलकम बैक होमी. लिव इट रियल. Up ahead you
हेलो, सो आई एम फाइनली इन द कैब इन जयपुर एंड हम दैनिक भास्कर के ऑफिस जाने वाले हैं फॉर द इंटरव्यू. मैंने थोड़ा सा मेकअप टचअप कर लिया है एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी चोकर विद दिस एंड ये पहना है. डिफरेंट डिफरेंट इंस्टाग्राम स्टोर्स ने जो मुझे ब्यूटीफुल सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भेजी है वो आज के दिन यूज़ होने वाली है. मेरा इंटरव्यू होने वाला है आरजे अपूर्वा के साथ. आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर. ईशान इज गोना अकंपनी मी, हेल्प मी व्लॉग, टेक ऑल द क्लिप्स एंड बूमरैंग्स एंड आई एम अ लिटिल नर्वस बट वेरी एक्साइटेड. All our friends and all their voices falling silent in the car. And do you remember Fox left aim? Tigers on train. एडिटिंग वगैरह का कोर्स कर बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव पर्सन. मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर आते थे बट मेरे नाना जी वॉज द फर्स्ट वर्जन उन्होंने पहचान लिया था कि ये बंदी अंदर से क्रिएटिव है. तो वो मेरे लिए एक पैम्फलेट लाए थे जहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि तू वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन वगैरह सीख, इसमें आगे जाके बहुत स्कोप है. सो मैंने वो ज्वाइन किया एंड वहाँ मेरा वो जो सर्कल बना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तेरा फैशन सेंस अच्छा है. आजकल थोड़ी ब्लॉगिंग वगैरह तब लिखना स्टार्ट हो रहा था, लोग अपनी फोटोज अपलोड कर रहे थे, इंस्टाग्राम नया नया आया था. सो वहाँ उन्होंने बोला कि तू भी स्टार्ट कर सकती है यार, तेरे में क्या कमी है. सो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की. उस टाइम इतने ज़्यादा मीन्स नहीं होते थे, इतने कैमरा और ये सब जो आजकल हमारे पास होते हैं इक्विपमेंट्स वो नहीं होते थे. तो अपने पुराने सोनी डिजिकैम जो हम ट्रिप्स पे लेके जाया करते थे समर वेकेशन पे, उससे मैंने मम्मी को बोला मम्मी छत पे जा रही हूँ मैं, मेरी फोटोज खींच दो. एक अनारकली पहना था मैंने जो मैं 200 रुपए का कहीं दिल्ली के हार्ट से लाई थी एंड वहाँ पे मम्मी ने मेरी पहली फोटोज खींची एंड मैंने ब्लॉग लिखना सबसे पहले स्टार्ट किया. और उसके बाद धीरे धीरे ट्रांजिशन हुई मैं यूट्यूब पे. वहाँ पे आप अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो एंड जैसे भी आप हो, आपकी पर्सनालिटी, आप जिस टोन में बात करते हो वो आपको यूट्यूब से सबसे ज़्यादा पता चलेगी. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड अ कम्युनिटी जो मुझसे रिलेट कर सके क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों में से स्कूल में भी कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में जाती थी तो थोड़ा अलग फील करती थी बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा शुरू से शाय या इंट्रोवर्ट रही हूँ एंड एक बार मुझे जान लो तो फिर मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ. अदिति, जैसे कि आपने मुझे जर्नी के बारे में तो बताया ही और अब आपने मुझे ये भी बताया कि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर डूइंग योर वर्क, बट मैं ये जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपने यू नो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी फेस करी होंगी जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी. वो प्रॉब्लम्स क्या थी, प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी का ही था शुरू से. जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और जो मेरे टीनेज फॉर्मेटिव ईयर्स थे उस टाइम पे मेरी फैमिली के काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रहे थे एंड इसी टाइम पे मैंने अपने लिए एक ब्रेव स्टेप उसको बोलेंगे कि लिया कि या तो मैं एक रेगुलर जॉब कर सकती हूँ या फिर मैं क्रिएटिव फील्ड में कुछ अपनी जो मैं अपने मन का करना चाहती हूँ वो करूँ एंड उसमें टाइम लगेगा, उसमें एकदम से इनकम नहीं आती. पहले आपको कुछ अपनी जमा पूंजी उसमें डालनी पड़ती है एंड देन बाद में जाके कभी आएगी. तो वो एक कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना मम्मी पापा से, उन लोगों को मनाना, वो भी एक बड़ा स्ट्रगल था अपने आप में. मेरी माँ तो शुरू से मुझे सपोर्ट करती ही थी किसी भी चीज़ में एंड उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि ट्रांसपेरेंट मेरे साथ रहे एंड अगर सच बोलेगी चाहे गंदा काम भी किया हो लेकिन मैं समझने की कोशिश अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगी. बट यही था कि मनी उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था, लोन्स बहुत थे एंड एक अंदर से उम्मीद भी थी कि जब मैं कमाने लगूंगी वो सारे जो डेट्स हैं, लोन्स हैं, वो चुकाने हैं मम्मी पापा के एंड साथ में मम्मी पापा का विश्वास भी जीतना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में. एंड बाकी तो आई डोंट थिंक ये दो डिफिकल्टी से ज्यादा बस यही होता है कि हाँ भाई वो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट कैसे मिले, वायरल कैसे हुआ जाए जिससे थोड़ा चैनल ना जल्दी स्पीड पकड़े. क्योंकि शुरू में आप डालते हो 19 व्यूज आए हैं वीडियो में तो फिर ना एकदम ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं और रिलेटिव्स भी कुछ कम नहीं है, वो भी आके कि अरे क्या कर रही है ऐसी मीडिया इंडस्ट्री में तो लड़कियों का ऐसे करके मैं तो नहीं अपनी लड़की को भेजूंगा मीडिया इंडस्ट्री, ऐसे टाइप की चीजें सुनने को मिलती है. उसका तुम पे भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है और माँ बाप पे भी. तो उसके उनके जाने के बाद फिर एक अलग डिस्कशन स्टार्ट होती है. तो यही चीजें रहती है रिलेटिव्स की, मम्मी पापा को मनाने की क्योंकि एक नई फील्ड है, ऑब्वियसली उनको भी नहीं पता, इसमें उनका कोई खोट नहीं है, कह नहीं सकते. तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है एंड अपने चैनल में इन्वेस्ट करना होता है एंड देन फाइनली वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जिससे आपका चैनल थोड़ा सा स्पीड पकड़े.
तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत कम व्यूज आते थे, और ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि अरे यार पता नहीं कोई देखने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि नहीं यार मैं ये वर्क कंटिन्यू करती रहूं, और हो सकता है कि लोग देखें? और फिर वो टाइम कब आया जब आपको पता चला कि नहीं यार लोग सच में मेरी वीडियोस देखने लग गए हैं? मैं एफर्मेशंस में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके बारे में रोज सोचो, हर दिन ऐसे जियो कि तुम वो बन चुके हो। तो मैं उठती थी और शीशे में देखती थी और कहती थी कि मैं हूँ बहुत बड़ी स्टार यूट्यूबर एंड मेरे को सब प्यार करते हैं, मुझे आ रहे हैं कमेंट्स, मेरे को मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में, जबकि मुझे अभी भी नहीं आ रहे, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने आप को। और धीरे धीरे उसकी तरफ काम करना, ये नहीं कि बोल के बैठ जाओ ऑब्वियसली, सो उसकी तरफ काम करना, दिन रात उसके बारे में सोचना। एंड एक जो अंदर से विश्वास होता है ना, वो कोई भी बाहर की चीज आपको आके नहीं बता सकती, वो अंदर वो आग होनी बहुत जरूरी है एंड अपने पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि पहले पॉपुलर चीज करो, ट्रेंडी चीज करो, फिर उसमें अपना तड़का डालने की कोशिश करो कि अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। एंड उसी से आई फील लाइक मेरा तो यही रहा है कि जब मैंने दिल्ली पे सरोजनी नगर की वीडियोस बनाना शुरू की, वहाँ एक्सप्लोर, उस टाइम इतनी कोई वीडियोस नहीं बनाता था, अब तो बहुत लोग बनाने लगे हैं, बट मैं गलियों में जा जाके सरोजनी नगर के भैया से बार्गेन कैसे करना है वो ट्रिक्स सिखाती थी कि नहीं वो वॉक करके चले जाओ फिर वो बुलाएंगे, फिर धीरे धीरे आना, या खोट निकालो, नहीं भैया ये तो थोड़ा फटा हुआ है 100 रुपए कम कर दो ना, ऐसे ये चीजें, ये मेरी पर्सनैलिटी जो पॉपुलर जो प्रोडक्ट है, पॉपुलर जो टाइटल है, प्लस मेरी पर्सनालिटी जो मिक्स होके बनी, उससे बहुत फर्क पड़ा। एंड फिर मैंने चांदनी चौक पे वीडियो बनाई, बेस्ट मोमोज कहाँ खा सकते हो दिल्ली में, तो ये सारी वीडियोस मेरी काफी पॉपुलैरिटी गेन करती गई। एंड देन मैंने उसमें अपनी पर्सनालिटी दिखानी शुरू की, तो आज मुझे उसी का फल मिल रहा है कि अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ, अ डे इन माई लाइफ दिखा रही हूँ, क्या मैं पूरे दिन खा रही हूँ, तो उसमें भी लोग उतने इंटरेस्टेड हैं जितना ऐसी वीडियोस में होते थे। अरे वाह क्या बात है यार, सीरियसली आपकी ये वाली जो बात है काफी अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको सुनेंगे उनको भी कहीं ना कहीं ये एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो देखिए मेरा शो है सुपर वुमन शो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी सेलिब्रिटी अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाएगा। हम लोग इन्फ्लुएंसर इवेंट्स में तो जाते थे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स जो कि मैं जा रही थी आफ्टर द पैंडेमिक, सो 2-2.5 साल के बाद इतने सारे लोगों से मिलना, मुझे है सोशल एंग्जाइटी, मैं लोगों से, ज्यादा लोगों से एक साथ मिलके भीड़ में बहुत ऐसा लगता है मेरी दिल की धड़कने बढ़ गई है एंड मेरे हाथ पैर पसीने पसीने हो जाते हैं, तो वो मेरे को तो अवार्ड शो से पहले भी ऐसे हो रहा था। एंड मैं बोल रही थी कि क्या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स को, क्या दीदी की तबीयत खराब हो गई है तो बहुत बहुत सोच विचार किया, बट जब पहली बार मुझे आया इनविटेशन तो उसी टाइम मुझे बताया गया था कि आपको हम नॉमिनेट करना चाहते हैं क्रिएटर्स फॉर गुड की कैटेगरी में, वो क्रिएटर्स जो कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू टैलेंट की बात तो करते हैं बट किसी गुडनेस की भी बात करते हैं। सो मुझे मेंटल हेल्थ और बॉडी पॉजिटिविटी वाली कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, क्योंकि मैं जैसे कि थेरेपी मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की थी, तो मैंने लेने के बाद उस पर पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद बाद में अपनी फॉलोअर्स के साथ शेयर की। मैं हमेशा कोई भी टॉपिक हो, चाहे पीरियड्स जैसा टॉपिक हो, चाहे आपके मोटापा हो, या फिर कितना कोई बॉडी इमेज इशू हो, उसके बारे में मैं खुल के बात करती हूँ, ऐसे जैसे जस्ट रोजमर्रा अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। क्योंकि पता है हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हमें कहीं ना कहीं जब भी कोई आता है, चाहे वो बहुत कम फॉलोअर्स वाला हो, चाहे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाला हो, चाहे रियल स्टेट के हों, चाहे कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे अभी जस्ट बिगिनर्स हो, बट उनसे हमें बात कर कर और इतने सारे लोगों से बात हो जाने के बाद ये पता चल गया है कि सामने वाला कैसा है और उसको कैसे डील करना है, ये बात हमें कहीं ना कहीं पता चल जाती है। तो आपसे अभी शायद मैंने 15-20 मिनट बात करी, उसमें मुझे रियलाइज हो चुका है दैट यू रियली हैव अ प्योर हार्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आज आएगी, ये बात मैं आपसे कहना जरूर चाहूंगी। हमारा जो शो है वो है सुपर वुमन शो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपकी भी लाइफ में कोई सुपर वुमन है? बिल्कुल, मेरी तो जितनी भी मैं जिस मुकाम पे आज हूँ वो उसी सुपर वुमन की वजह से हूँ। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे क्वर्की स्क्वाड अभी सुन रहे होंगे मुझे, उनको पता होगा मैं किसका नाम लेने वाली हूँ, वो है मेरी मम्मी, मेरी माँ मीनाक्षी श्रेष्ठा, मैं पूरा नाम बता दूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ मेरे लिए डेडिकेट कर दी, अपने परिवार के लिए। सारी जो माएँ होती हैं उनका मैं मतलब कितनी भी तारीफ करूँ वो कम है, लेकिन जो एक डेडिकेशन 100% वो जो सेल्फलेस लव मिलता है ना, वो इतना ज्यादा मिलता है, बिकॉज शी कम्स विद द राइट सेट ऑफ वैल्यूज एंड वो उन्होंने मेरे में इम्पार्ट की है, सो शी इज एवरीथिंग टू मी। क्या
क्या बात है, तो बहुत सारी सुपर वुमेन्स आपको सुन रही हैं जो कि डेफिनेटली आपसे इंस्पायर ज़रूर होंगी, और ऑब्वियसली सुपर मॉम्स भी आपको सुन रही हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज भी आपको सुन रही हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं और डेफिनेटली डिजिटल वाला जो प्लेटफॉर्म है उसे भी चूज़ करना चाहती हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन सभी सुपर वुमेन, सुपर मॉम्स को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलूंगी, अपने ऑथेंटिसिटी पे विश्वास रखो जी। जो आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपको उसी चीज के लिए पसंद करेंगे जो आप रियल में हो। आप नाटक कब तक कर लोगे? अगर आपको ये लॉन्ग टर्म करना है तो आपको यू हैव टू बी योरसेल्फ। यही बोलूंगी कि आप एक अगर ऐसी चीज है जिसमें बिलीव करते हो उसमें बिलीव करते रहो, चाहे अभी आपको लग रहा हो गालियां पड़ रही है, लेकिन एंड में जाके इट विल ऑल बी वर्थ इट अगर आप ऑथेंटिक रहो अपने काम के साथ एंड बिल्कुल करते रहो। आस पास से जो नेगेटिविटी आ रही है ना उसको ब्लॉक करके अपने काम पे अगर आप फोकस करोगे तो बहुत सही रहेगा। डेफिनेटली कांस्टेंट रहेंगे तो definitely. बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच अदिति हमारे साथ आज जुड़ने के लिए you. और डेफिनेटली बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है यहाँ से कि मैं भी यू नो डेफिनेटली हर किसी के मन में किसी भी तरीके के डाउट्स हो सकते हैं और जब आप लोगों से, आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमें भी एक यू नो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती है कि नहीं यार इस फील्ड में ये चीजें कर कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सुपरवुमेन्स को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई जस्ट लव्ड आपकी एनर्जी एंड आपसे भी मुझे सीखने को बहुत मिला कि कैसे कॉन्फिडेंस से यहाँ माइक के सामने बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफी तारीफों का वेल जब भी कोई जयपुर आता है, यानी कि पिंक सिटी, गुलाबी नगरी आता है, तो हम उनका जो स्वागत है वो बड़ा अच्छे से करते हैं, बड़ा खूबसूरत सा करते हैं। और आज हमसे मिलने आई है एक खूबसूरत सी लड़की जिनका नाम है अदिति और उनका यूट्यूब का नाम है क्वर्की मिस। तो मैंने सोचा कि जयपुर की खातिरदारी इनको दिखाई जाए और इनके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गाना चलाया जाए। So I got done with my radio interview, first interview with RJ Apoorva. Oh, hi! Look at her. I love her hair. मुझे इतना मैंने आते ही देखा पर्पल बाल and I was like बोरा है। BTS fans तुम्हें पता होगा। बहुत ही amazing रहा और मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी nervous हो सकती हैं ये, शायद nervous हूँ but honestly speaking RJ ज़्यादा बोलते हैं but ये हमसे ज़्यादा बोली हैं आज। मैंने इनको इंटरव्यू में बोला मेरे बारे में जितना मुझसे बुलवा लो मैं बोल दूंगी, दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट मैं आप लोगों पे भी थोपती हूँ। सो इट वाज सच अ लाइक फन एक्सपीरियंस। सेम हियर, सेम हियर। लवली हैविंग मी एंड थैंक्स टू यू, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड टू अदिति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम डन, इट्स डन। He was helping me throughout, बिल्कुल फिल्म करने में बहुत ही सपोर्टिव लड़का है। कैसा लगा? बहुत अमेजिंग। जस्ट लेट मी नो, लेट देम नो, बिकॉज मैं तो अभी थोड़ी सी ऐसे फ्रेजल्ड हो रही हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस बिहाइंड द कैमरा? मेरे को ऐसे बात करते काफ़ी मज़ा आया, वैसे शूट करने में मज़ा आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरे को। अभी देखूंगी शॉट कैसे लिए। वो अलग चीज़ है बट स्टिल द एक्सपीरियंस वॉज गुड। अब ना ऐसा वाला फील नहीं होता दैट यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। इट ऑलवेज फील लाइक दैट हाँ शी कैन डू इट एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ज़्यादा तारीफ नहीं करते, बच्चे सिर चढ़ जाते हैं। सो दिस इज द दैनिक भास्कर का ऑफिस एंड यहाँ पे माय एफएम का भी ऑफिस है जहाँ पे हमने अभी अपना शो फिल्म किया। अभी जो कोमल थी ना जिनके थ्रू ये सब अरेंज हुआ था, उन्होंने हमें एक जगह बताई है बिकॉज आई एम अ फ्रेंड्स फैन। तो देर इज दिस कैफे कॉल्ड देयर फॉर यू जो मालवीय नगर में है यहाँ जयपुर में, एंड वो बिल्कुल वैसा ऑरेंज काउच रखता है जहाँ पे फ्रेंड्स बैठते थे एंड वहाँ पे पूरा टाइम फ्रेंड्स चलता रहता है। सो अभी ईशान ओला ऑटो बुक कर रहा है बिकॉज मुझे ना ऐसे सिटीज में आके ऑटो में घूमना बहुत पसंद है, उसे भी बहुत पसंद है। सो हम बस वही जा रहे हैं।
Telecaster. Would you be here in the fall and the long December? Pull me closer. Say this town is for the ghosts, and I'm buried in the rocks, dear. If you're leaving, और आफ्टर आवर्स ऑफ डिले फाइनली घर जाना है, मुझे घर जाना है। इन दिल्ली माय होम एंड माया एफएम वालों ने ना मेरे को ये प्यारा सा गिफ्ट दिया था, सो दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग। आई जस्ट वांटेड टू अनरैवल इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड एंड इट ऑन अ स्वीट नोट। इट केम इन अ वेरी प्रिटी पैकेजिंग जिसको मैं खोल रही हूँ, एंड ओ माय गॉड, दीज हैव रॉ फ्रूट्स इनसाइड देम। आई नो दिस वन इज कीवी, ये डेट है, आई थिंक दिस वन इज मैंगो, ऑरेंज एंड दो तीन और है, एंड आई एम जस्ट गोना हैव वन राइट नाउ बिकॉज आई एम सुपर हंग्री। ओह, आई थिंक आई एम गोना हैव मैंगो फर्स्ट। आई लव दीज एंड आई लव फ्रूट्स, एंड मानना पड़ेगा जयपुर का खाना बहुत ही अच्छा है। इवन द देयर फॉर यू कैफे वॉज अमेजिंग, एंड दिस होल व्लॉग इन जनरल वॉज सुपर हेक्टिक। आई कुडंट टॉक मच, बट इट वॉज सो मच फन। हैव अ चैट ऑन माई जर्नी ऑन रेडियो विद एन आरजे इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक दिस इज द लाइफ आई इमेजिंड फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम लिविंग द ड्रीम। सो थैंक यू सो मच, एंड आई डोंट वांट क्राई राइट नाउ। सो मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सारे व्लॉग में मैं आपको कुछ ना कुछ अलग करती दिखूंगी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर लाइफ टू अनफोल्ड इटसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको जल्दी अपडेट होना यूट्यूब से भी पहले, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।